हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपके साथ आज अपना लंच रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, मैंने आज लंच में क्या क्या बनाया था। तो मैं देखिए, आज मैं बनाऊँगी दाल चावल भुजिया सलाद, यही है बस, सिंपल सा मेरा लंच होता है। और ये देखिए, हमने कुकर में दाल धो के और डाल दिया है, और इसमें पानी डाल दिया है, एक टमाटर डाल दिया है, और इसमें हल्दी डाल देंगे, हल्दी के बाद नमक डाल देंगे, नमक डाल के और इसका हम ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा देते हैं। और गैस पे चढ़ा के और फिर हम आलू को, मीडियम साइज़ के आलू हैं, बड़े नहीं, बड़े आलू की भुजिया अच्छी नहीं, उतनी अच्छी नहीं होती है, सो हम मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। और इसको हम छील लेंगे अच्छे से, सब आलू को छील के, और जब तक से हमारा दाल जो है बन रही है, दाल पक जाएगी, एक सीटी तेज आंच पे इसको हम कर लेते हैं और एक सीटी धीमी आंच पे, और फिर हम इसको हम उतार लेंगे, ये देखिए। और आलू को जो है, सब आलू को हम छील लेंगे पहले अच्छे से, सब आलू छील के और फिर जाके इसको हम कट करेंगे भुजिया के आकार में। और सब आलू को हम छील लेते हैं अच्छे से, और तब इसको हम कट करेंगे जब मेरे सारे आलू छिल जाते हैं तो। मेरे आलू जो हैं, अब मेरे सारे आलू छिल गए हैं, अब इसको हम कट कर लेंगे भुजिया के आकार में। पहले एक आलू में हम तीन कट लगाएंगे, उसके बाद जगह फिर उसके बाद पतला पतला सा उसे हम, देखिए चार पांच कट लगा लिए हैं, उसके बाद जगह पतला पतला से इसे हम काट लेंगे, जो मेरा भुजिया इस तरीके से कट जाएगा, ये देखिए। फिर इसको हम इसी तरीके से इसे भी कट कर लेंगे, ये मेरा, फिर ये ऐसे ही काट लेंगे इसको, और सारे आलू को एक एक करके सबको हम ऐसे ही काट लेंगे, सबको ऐसे ही काट के, ये देखिए। और फिर इसको हम पानी से, दो तीन पानी से धो लेंगे, और दो तीन पानी से धो के और फिर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई चढ़ा के और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च, बस सिंपल सा ही बनता है। देखिए मेरे सारे जो आलू हैं वो कट हो गए, अब इसको हम अच्छे से धो लेते हैं दो तीन पानी, ये देखिए, ये हम दो तीन पानी इसको धो लेते हैं अच्छे से। ये हमारा दो पानी हो गया, इसको हमने दो पानी धो लिया।
आपको तो पता ही है कि मिट्टी कितना होता है आलू में। अभी नए आलू आ रहे हैं इस समय, तो इसको हम अच्छे से धो लेते हैं, नहीं तो फिर ये मिट्टी थोड़ा सा भी रह जाएगा तो फिर भुजिया अच्छी नहीं बनेगी। और हम फिर ले लेते हैं हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी हम धो लेते हैं। तब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे, कढ़ाई चढ़ा के ये देखिए, और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। कढ़ाई जब हमारी गर्म हो जाती है तो इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल, और फिर डाल देंगे जीरा, और जो हरी मिर्च है उसको कट करके उसे भी हम डाल देंगे। इसको भी हम डाल देते हैं काट के। ये देखिए, और उसके बाद जाके जब ये हमारा फोरन जो है जल जाता है, तब इसको हम आलू भी इसमें ऐड कर देते हैं, आलू डाल के, और इसको चला के और ढक देंगे। और देखिए इसको चला लेते हैं, चला के और फिर जाके इसको हम ढक देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हम हल्दी ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे, और फिर इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। इसको हम पका लेंगे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर हमारी भुजिया जो है वो तैयार हो गई। और फिर अब बना लेंगे चावल, ये देखिए। और इसी बीच में हमने काट लिया सलाद, सलाद की भी अब हम तैयारी कर लेते हैं। अब इसको हम देखिए, इसे हमने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया, ये देखिए इसमें हमने नमक ऐड कर दिया। अब इसको ढक के पका लेते हैं। फिर ये हमारा जो भुजिया है, अब इसको थोड़ा सा तेज आंच करके और रख देते हैं कि ये हमारा थोड़ा सुनहरा कलर का हो जाए, तो खड़ी खरी खरी सी अच्छी लगती है। हमारी भुजिया जो ये पक गई है, अब इसको हम थोड़ा सा तेज आंच कर दिए, इसलिए ये थोड़ी सी खरी खरी सी सिक जाए। और देखिए ये टमाटर और प्याज को हम काट लेंगे। टमाटर प्याज हरी मिर्च को काट लेते हैं। ये हमारी भुजिया है, ये देखिए। अभी देखिए हमने चावल ले लिया, इसको बीन लिया है अच्छे से। अब इसको भी धो के और हम कुकर में जो है चढ़ा देंगे। और हाँ, चावल जो है उसको, ये देखिए हमारी ये खरी खरी सी अब सिक गई है। अब चावल को हम ये इसमें हम निकाल लेते हैं पहले कढ़ाई में से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है ना, तो लोहे की कढ़ाई में यदि कोई भी सब्जी या भुजिया या कुछ भी बना के छोड़ दो यदि, तो फिर मतलब कि पता नहीं कैसे स्वाद आ जाता है उसमें। और ये देखिए दाल को हम पलट लेते हैं, ये हमारी दाल जो है पक गई है, देखिए कितने अच्छे से पकी है, गल गई है। और उसके बाद जगह फिर इसको हम इसमें फ़ौरन तेल और जीरा और हींग, बस इतना ही से हम बस फ़ौरन ये करते हैं, दाल छौंकते हैं सादी सी। और उसके बाद जाके ये हम इसको ही इसमें वो करके फ्राई करके और रख देते हैं। और फिर जाके हम बनाते हैं चावल, चावल को अच्छे से धो लेते हैं। ये हो गया मेरा, दाल छौंक आ गया सिंपल सा। और ये देखिए हमने चावल धो के, ये देखिए, और चावल धो के हमने कुकर में डाल लिया है। और हम लिए हैं 1.5 कटोरी चावल, तो 1.5 कटोरी चावल में जो है हमारा 2.5 कटोरी जो पानी, जिस कटोरी से हमने चावल लिया है ना, उसी कटोरी से हम पानी भी लेंगे।
और 2.5 कटोरी हम पानी ले लेंगे और फिर इसको हम देखिए चढ़ा देते हैं। और फिर जाके एक सीटी, बस एक सीटी आने के बाद ये देखिए हमने दाल चावल भुजिया और सलाद हमारा रेडी है। आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए लंच। और ये देखिए हमारा लंच जो है तैयार है और हमारा